अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदशे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। प्रिय सज्जनों, पंच दिवसीय दीप मालिका के पावन पर्व के अंतर्गत आज ये द्वितीय मालिका है। इसको नरक चतुर्दशी कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, नरक चतुर्दशी यमराज की प्रसन्नता के लिए। पूर्व दिन में जैसे मैंने बताया था, 5 दिनों तक यमराज के निमित्त दीप दान होता है। आज भी जो नरकीय यातनाओं से बचना चाहते हैं, इस लोक में या इस शरीर को छोड़ने के बाद भी, उनको अपने घर के बाहर चौमुहा दिया, 4 मुहे का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, सिंदूर इत्यादि लगा करके। कहते हैं शरीर की आरोग्यता तो प्राप्त होती है जीवन में जब पवित्र आचरण होता है, और जीवन में प्रकाश होता है जब जीवन में जागरूकता रहती है। हमारे जीवन की एक बड़ी विडंबना है, हम जागे हुए भी सोए रहते हैं। हमारा सनातन धर्म कहता है तुम सोए हुए भी जागे रहो। अगर हमारा जीवन इस प्रकार से बन जाए तो कोई ऐसा बितंडावाद हमारे जीवन में खड़ा नहीं कर सकता कि हमें किसी प्रकार के रोग व्याधियां घेरें या जीवन में किसी प्रकार का अभाव हमारे जीवन में हो। सब प्रकार का भाव ही भाव रहेगा और सब प्रकार से हम आनंद में निमग्न रहेंगे। इसी कला का नाम सनातन धर्म है। धर्म उसको नहीं कहते घंटी बजा लेने को, धर्म कहते हैं जीवन जीने की कला को। जीवन जीने की कला का नाम सनातन धर्म है। तो आइए इस पावन पर्व में सभी को एक बार पुनः बधाई देते हुए, और नरक चतुर्दशी, हनुमान जयंती इत्यादि नामों से जो जानी जाती है, इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं किस प्रकार से हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। यमराज का और यमराज के दूतों का पावन संवाद आपने सुना था त्रयोदशी के समय। अगला दिन चतुर्दशी का है आज, और इस चतुर्दशी के दिन हमें किस प्रकार से क्या करना है। बोले प्रातःकाल हमें उठना है, और प्रातःकाल उठ करके शरीर में तेल का मर्दन करना है। वो काले तिल का हो या सरसों के तेल से शरीर में तेल का मर्दन करना है। उसके बाद स्नान करना है। इस स्नान में 2-3 प्रकार की शास्त्रों में औषधियां बताई गई हैं, उन औषधियों का सम्मिश्रण करना है पानी में। हल के अग्रभाग में लगी हुई मिट्टी हो, थोड़ा सा हो। भटकटैया एक वनस्पति होती है, पौधा होता है, 2 प्रकार का उसमें फूल खिलता है। एक में तो बैगनी रंग का फूल खिलता है, एक में सफेद रंग का फूल खिलता है। दोनों चलेंगी, कोई भेदभाव नहीं है। उनका थोड़ा सा पत्ता हो, और दोनों में सिर्फ फूल में ही अंतर होता है। पत्ते एक जैसे होते हैं, कटीले होते हैं, तना भी कटीला होता है। उसको ले आ करके उसको थोड़ा कूट करके पानी में मिलाना है। और अपामार्ग, अपामार्ग सांस्कृतिक नाम है, साहित्यिक नाम है, हमारे गांव की भाषा में उसको चिरचिरा बोलते हैं। और आप लोग अपने लोगों से समझ लीजिएगा, सभी को पता है, सब जगह होता है लगभग ये अपामार्ग। इन 3 वस्तुओं के एकत्रित करके जल में मिला करके स्नान करना है। स्नान करने के उपरांत यमराज जी महाराज का तर्पण करना है। आज नरक चतुर्दशी है, नरक के अधिष्ठात्र देवता जो हैं, अब वो चाहे हमारे जीवन के रहते नरक की यातना हो, अगर हम रोग व्याधियों से प्रताड़ित हैं तो वो नरक की यातनाओं से कम थोड़ी ना है। और इस शरीर को छोड़ने के बाद चाहे नरक की यातनाओं से प्रताड़ित हों, उन दोनों ही प्रकार की प्रताड़नाओं से बचने के लिए यमराज महाराज के 12 नामों से हमें तर्पण करना है। पानी में, जल में, परात में जल रखें, उसमें थोड़ा सा तिल मिलाएं और हाथ में लेकर के तर्पण करना है। यमाय नमः, धर्मराजाय नमः, सर्वभूताय नमः, मृत्वे नमः, अंतकाय नमः, वैवस्वताय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूतांतकाय नमः, औदुम्बराय नमः, ओम दक्षाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम ब्रकोदराय नमः,
ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, इन 12 नामों से जो व्यक्ति यमराज जी महाराज का तर्पण करता है उसको नरक की यातनाएं ना तो इस जीवन के रहते आज व्याधियों के माध्यम से भोगनी पड़ती, ना इस तन को छोड़ने के बाद परलोक यात्रा हम जिसको कहते हैं वहां पर उसको भोगनी पड़ती है। यमराज जी महाराज की कृपा से उसके सारे पाप समन हो जाते हैं, जाने अनजाने पाप हो गए। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं एक बार हमने साल भर में ये कर लिया उसके बाद पाप करते रहे, हमें आज तक जो हो गया हो गया, आज के बाद अब अपने जीवन को पूरी तरह से सन्मार्ग की ओर लगाना है, बदल लेना है। अब पाप हो ऐसी संभावना समाप्त हो जानी है। अब लो नसानी अब ना नसई हो, ये भावना हृदय में आ जाए तभी लाभ मिलेगा। ये सोचो कि चलो एक बार नरक चतुर्दशी को कर लेंगे और साल भर फिर पाप करते रहें, खूब लोगों को प्रताड़ित करते रहें, खूब लोगों को परेशान करते रहें और सोचे पाप मिट जाएंगे, तो फिर पाप कभी मिटने वाले नहीं है। याद रखिएगा जीवन में आचरण। और मैं हमेशा ही अपने वक्तव्य में कहता हूँ तुम्हें कोई बचा नहीं सकता, याद रखना तुम्हें तुम्हारा आचरण ही बचाएगा। मैं तुम्हारे साथ जुड़ा हूँ, मैं शून्य का काम करूंगा, सिर्फ आपको एक स्वयं ही बनना पड़ेगा। आप एक हो, मैंने एक शून्य लगाया तो आपकी वैल्यू 10 बढ़ जाएगी, एक बिंदु और लगा दिया तो आपकी वैल्यू 100 हो जाएगी। लेकिन मैं 1000 शून्य लगा दूं, आप एक हैं आप हट गए तो वो सारे शून्य ही हो जाएंगे, कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए जो करना है बिल्कुल ये भूल जाना कि आपको कोई चमत्कार करके और बहुत उच्च स्तर में पहुंचा देगा, सब कुछ करना आपको पड़ेगा, श्रम आपको करना पड़ेगा। मैं या कोई और आचार्य आपको सिर्फ युक्ति बताएगा, शून्य लगा देगा, आपने अमल किया तो 10 हो जाएंगे, नहीं तो आप हट गए तो शून्य शून्य ही रह जाएगा। करना सब कुछ आपको है, इस बात का ध्यान रखना है और सतत जागरूक रह करके करना है। ये मैं पहले बता चुका हूँ, पूरी तरह से जागरण का पर्व है ये। और ये 5 ही दिन क्यों है, पूरे सारे 365 दिन क्यों नहीं जागरण के लिए? ये हमारे जीवन में 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल वायु आकाश और अग्नि, ये पांचों को हमें जागृत करने के लिए पंच दिवसीय पर्व रखा गया। ये पांचों जागृत हो जाए तो हम हमेशा ही जागृत रहेंगे, फिर सोते हुए भी जागे रहेंगे। इसलिए इस नरक चतुर्दशी में नरकी यातनाओं से बचना है, हमारा सबका लक्ष्य ये होना चाहिए। ये पर्व का प्रारंभ तो सनातन धर्म में हर वस्तु सनातनी अनंत काल से, कैसे किस प्रकार से कहते हैं, हनुमान जी महाराज का जन्म त्रेता युग में हुआ, आज के दिन ही चतुर्दशी वाले दिन, आज चतुर्दशी के दिन ही हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ था। और जन्म हुआ था कब, तुला के सूर्य हैं मेष लग्न में जन्म हुआ था, संध्या काल में, रात्रि भर हनुमान जी रहे, प्रातः काल भूख लगी थी, माता से प्रार्थना किया, मैया अंजना भूख लगी है जो कोई लाल फल होगा उसको खा ले। हनुमान जी महाराज ने अमावस्या को, दीप मालिका का जो पावन पर्व है, इस वसुंधरा से छलांग लगा दी और उदय कालीन सूर्य को जाकर के निकल गए थे। आपने पढ़ा होगा बाल समय रवि भक्षली हो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, अब ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहु सो जात न टारो, देवन आनी करी विनती तब छाणी दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानता है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। एक तो ये वजह है कि आज के दिन जो व्यक्ति हनुमान जी महाराज की अर्चना करता है, पूजन करता है, वो भी नर की यातनाओं से बच जाता है। अब हनुमान जी महाराज की अर्चना कहेंगे कैसे करना है, सामान्य अर्चना तो अलग बात है, चमेली का तेल घी के साथ सिंदूर मिलाकर चढ़ा दें, लेकिन हनुमान जी महाराज का जीवन देखें कितना पावन कितना पवित्र है, कितना ब्रह्मचर्य से युक्त है और पूरी तरह से राम के चरणारविंदों में समर्पित है। अगर ऐसा जीवन हमारा बनता है, एकदम पावन पवित्र, सतत भगवान चरणारविंदों की तरफ, सतत दूसरे के उपकार, हनुमान जी चाहते तो बाली को मरवा दिया था, किष्किंधा का राज्य स्वयं ले लेते, लेकिन सुग्रीव को राजा बनवाया। हनुमान जी महाराज की लंका विजय में पूरी भूमिका 80% अगर कहा जाए तो हनुमान जी महाराज की भूमिका है। हनुमान जी महाराज चाहते तो लंका का राज्य स्वयं ले लेते, राम जी उनको देने से मना करते कहीं, लेकिन हनुमान जी महाराज को कुछ नहीं चाहिए संसार का वैभव, उन्हें तो सिर्फ जब तक उनका तन है, वाणी पे राम नाम रहे
और तन संसार की सेवा में रहे। लक्ष्मण को जीवन दान दिया, सीता को राम जी का संदेश देकर जीवन दान दिया, राम जी को सीता का संदेश देकर के जीवन दान दिया, भरत को राम जी के आने का संदेश देकर के जीवन दान दिया। जो उस ब्रह्म को जीवन देने की कला जिसमें हो, इतना पुरुषार्थ हो जिसके जीवन में, ऐसी विधा हमारे जीवन में एक दिन में नहीं आएगी, जन्म जन्म लगेंगे। लेकिन प्रयत्न अगर हम करना शुरू कर दें तो हनुमान जी की महाराज की आराधना तभी सार्थक होगी। सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ लेने से बात नहीं बनेगी। मैं ये नहीं कहता हनुमान चालीसा मत पढ़िए, जरूर पढ़ना है। नरक चतुर्दशी वाले दिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए, संकट मोचन का पाठ करिए, संकट निवृत्ति होगी। लेकिन वो अपेक्षा करेंगे तुम्हारा जीवन भी मेरे भांति पुरुषार्थी बने, मेरे भांति पवित्र बने, मेरी भांति संयम से परिपूर्ण हो। एक बात और है, आजकल मैं किसी का नाम नहीं, किसी की निंदा नहीं, इसमें ऐसा मत समझिएगा, लेकिन मनुष्य का जीवन उच्छृंखलता का नाम नहीं है, मनुष्य का जीवन स्वच्छंदता का नाम नहीं है, मनुष्य का जीवन संयम का नाम है। कुत्ते बिल्ली भी जीवन जीते हैं। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं क्या हुआ, शराब भी पी लिया, ये भी खा लिया, या भी खा लिया, अब भगवान थोड़ी से इसको कोई लेना देना भगवान का। अरे हमारे जीवन में पवित्र आचरण ही नहीं तो फिर हमारा जीवन तो कुत्ते कौवे बिल्लियों की भांति हो गया, पेट तो वो भी भरते हैं। हमें अगर जीवन में संयम नहीं है, आंखों पर संयम नहीं है, कानों पर संयम नहीं है, वाणी पर संयम नहीं है, रसना पर संयम नहीं है, इंद्रिय पर संयम नहीं है, तो फिर मनुष्य तन का तो कोई लाभ नहीं। गधा भी जीवन जीता है, कुत्ता भी जीवन जीता है, हम भी उसी प्रकार से जिंदगी को ढो रहे हैं, जी नहीं रहे। जीवन जीने की कला जीना है, हनुमान जी महाराज से सीखे, हमारा जीवन धन्य होगा। एक बात और हुई, हनुमान जी महाराज ने बताया जीवन में तुम्हारे पुरुषार्थ से सब कुछ तुम्हें मिल सकता है, लेकिन उसमें आशक्त नहीं हो रहा है। लंका का राज्य किष्किंधा, और यहां तक मैं चाहता तो राम जी अयोध्या का राज्य भी मुझे प्रदान कर सकते थे, लेकिन परिश्रम के द्वारा अर्जन करो, तुम जब तक श्वास है तब तक मेहनत करना है, लेकिन आशक्त नहीं हो रहा कहीं पर। मैंने बहुत बढ़िया पलंग बना लिया, बिस्तर बना लिया, तो उसी में आशक्त हो जाऊं, जीवन का लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए। चरई बेटी, जीवन का लक्ष्य क्या हो, वो राम मेरे तन में बस जाए, मेरे मन में बस जाए, मेरे रोम रोम में बस जाए। हनुमान जी महाराज के जीवन का लक्ष्य पुरुषार्थ करते हुए भी ये है, तो हनुमान जी महाराज का अर्चन सार्थक होगा। इस संदर्भ में कथा, हनुमान जी महाराज ने लंका विजय हुई और मैया ने प्रसन्न होकर के राज्य सिंहासन पर जब बैठी थी माता जानकी रघुनंदन के साथ, तो सबको दिया भगवान ने, सबको पहनाया, वस्त्र पहनाया, भूषण पहनाया, अंगद को, जाबवंत को, सुग्रीव को, हनुमान जी महाराज को कुछ नहीं। हनुमान जी महाराज लगे हैं चरणों की सेवा में। सीता मैया ने रघुनंदन की ओर देखा, प्रभु भगवान ने मैया की ओर देखा, जानकी क्या कहना चाहती, हनुमान जी को कुछ नहीं दिया, इतना किया इसने, आपने कुछ नहीं दिया। अब भगवान मुस्कुराए, उसको क्या दोगे तुम, क्या दे सकती हो जानकी, क्या है तुम्हारे पास देने के लिए। माता जानकी ने कहा आप क्या दूं, बड़ा कीमती हार मैया के उस समय सिंहासन पर विराजमान थी, वो निकाल करके और हनुमान जी के गले में डाल दिया। हनुमान जी महाराज ने फौरन देखा कि क्या मेरे गले में पड़ गया, नजर तो प्रभु के चरणों में थी और वो गले में पड़ा हुआ जो हार था हाथ से टटोला और एक एक दाने वज्र के समान अंग है वो मसल मसल के तोड़ने लगे, देखने लगे, लोगों ने अपना सिर पीटा, आखिर बंदर तो बंदर ही है। हनुमान जी महाराज ने कहा क्या हुआ, बोले इतना कीमती हार तुमको दिया था और इसको सब नष्ट कर दिया। हनुमान जी मैं तो अपने गले का हार तुम्हें पहनाया था, क्या बताऊं, तोड़ दिया इसको। माँ मुझे इससे क्या लेना देना, ये तो आपके गले में ही शोभा को प्राप्त होता है, इसमें क्या देख रहे हो तुम। मैं इसमें देख रहा हूँ मेरे इसमें रघुनंदन है कहीं क्या, अगर मेरे रघुनंदन है तो ये मेरे लिए सार्थक है, अगर रघुनंदन नहीं है तो मैया मेरे लिए व्यर्थ है, ये कोई अर्थ नहीं। माँ का हृदय गदगद हो गया, नेत्रों से अश्रुपात होने लगा, मैया के माथे में सिंदूर लगा था, और भी कथाएं हैं सिंदूर के संदर्भ में, लेकिन वहां सिंहासनासीन राजमाता जानकी ने अपने माथे का सिंदूर ऐसे निकाला और हनुमान जी के मत्थे पर तिलक किया, बोले बेटा इससे प्रिय मेरे पास इस समय कोई नहीं, ये रघुनंदन के विद्वान होने की निशानी है, इसको मैं तुम्हें दे रही हूं, तुम्हारे रोम रोम में ये राम रम जाए।
हनुमान जी महाराज चरणों में लौट गए। माँ इससे बड़ा अब मुझे क्या चाहिए, मुझे सर्वस्व मिल गया। उस दिन के बाद से हनुमान जी महाराज को सिंदूर चढ़ने लगा। आज नरक चतुर्दशी हनुमान जयंती के दिन जो व्यक्ति चमेली की तेल में सिंदूर मिलाकर घी में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी महाराज का लेप करेगा उनके सामने बैठकर, हनुमान जी के पैसे दाम से मतलब नहीं है, बहुत पैसे दाम भेंट करके हनुमान जी को खुशी कोई करना चाहे। हम देखते हैं उस दिन लोग बड़े नोटों की मालाएं और ये और वो तमाम लेकर आते हैं, सिक्के लेकर के आते हैं, चिपका देते हैं। हनुमान जी को माता जानकी के गले का हार तोड़ दिया उन्होंने, तुम क्या दे सकते हो उनको, उनको तो सिर्फ चाहिए उनके पास बैठो, हनुमान चालीसा का संकट मोचन का पाठ करो, लेकिन इससे भी बड़ा अगर कुछ है तो सीताराम जय सीताराम कह के ताली बजाओ, करतार बजाओ और खूब नाच नाच कर कीर्तन करो। दो लाभ, एक तो शरीर खूब तुम्हारा चुस्त दुरुस्त हो जाएगा, रोज जब नृत्य करके कीर्तन करोगे अलग से एक्सरसाइज की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा पसीना बहेगा और भगवान का नाम वाणी में रहेगा, पांव भी थेकेंगे भगवान के लिए, हाथ ताली या करतार बजाएंगे भगवान के लिए, वाणी उच्चारण करेगी प्रभु का नाम, तो ये तन मन और धन ये सब भगवान को अर्पण हो जाएगा और जीवन कृतकृत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो मनुष्य इस नरक चतुर्दशी हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी महाराजान का अर्चन करता है, पूजन करता है, उसके जीवन के सारे दुख दारिद्रता यमराज जी महाराज और हनुमान जी महाराज दोनों ही दूर कर देते हैं। अगर हो सके कोई शक्ति संपन्न है सामर्थ है 1000 हनुमान जी के नामों से मोदक लड्डू भी चढ़ा सकता है, और समाज में ये जो हनुमान जी को लड्डू चढ़ाने की परंपरा है ना, ये हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए नहीं कि हनुमान जी प्रसन्न होंगे, हनुमान जी प्रसन्न होंगे लेकिन जब उन मोदकों को सामान्य पब्लिक में जो बेचारे कभी मीठा नहीं खरीद के खा सकते उनके निमित्त उनको अर्पण कर दिया जाए, बांट दिया जाए उनमें, तो हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं। और ये जितने भंडारे इत्यादि का आयोजन हमारे सनातन धर्म में है उसका पर्पस उसका लक्ष्य मात्र यही है। हर दूसरे दिन कोई त्यौहार हमारे इसमें होता है, हर दिन हमारे इसमें 365 दिन त्यौहार है सनातन, नित्योत्सवई मंदिर ही, रोज उत्सव हो मंदिर में, रोज ऐसे अभावग्रस्त लोग जो जीवन में कभी रसगुल्ले का स्वाद नहीं चख सके बेचारे, जो कभी खरीद करके लड्डू का स्वाद नहीं चख सके, उनको भी मंदिरों में हनुमान जी महाराज के चरण की शरण में आकर के उनको भी वो वैसे ही तृप्ति हो जैसा एक संपन्न व्यक्ति को होती है। ये समत्व की बुद्धि है हमारे सनातन धर्म में, सर्वे भवन्तु सुखिना, सबको सुखी करने का नाम इस पावन पर्व के अंतर्गत होता है। तो इस प्रकार से ये जागते हुए श्रम करते हुए अपने जीवन को भगवत चरणारविंदों की तरफ चलाएं, आप सभी का जीवन मंगल में हो। मेरा इस नरक चतुर्दशी के पावन पर्व पर आप सभी को पुनः पुनः एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री सीताराम।